जौनपुर में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल डाक बंगले पर पहुंची और पत्रकारों से मुलाकात करके कई मुद्दों पर बातचीत की और सपा नेता आजम खान के बारे में जमकर बोली। उनके अनुसार सपा नेता आजम खान को नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सांसद साध्वी प्राची पर विवादित बयान किया था और इस तरह की टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेश है हमारे जौनपुर के संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। जी एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और एक महिला जो कि एक साध्वी हैं, समाज में उनका अपना एक स्थान है, उनके लिए इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करना राजनीतिक शिष्टाचार में भी नहीं आता है और सामाजिक शिष्टाचार में भी नहीं आता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसकी घोर भर्त्सना करती हूं और इस तरीके की बयानबाजी पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग भी करती हूं कि अपने ऐसे बड़बोले और वाहियात किस्म के बयान देने वाले मंत्रियों के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि यदि हम राजनीतिक दलों में हैं तो हमें दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं का या उससे जुड़े हुए लोगों की प्रतिष्ठा का, और विशेषकर से यदि कोई महिला है समाज में तो उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को आज आने वाला कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। और ऐसा यदि कोई करता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि उनकी सरकार में बैठा हुआ कोई जिम्मेदार मंत्री अगर ऐसी बयानबाजी कर रहा है तो इस पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात पागलखाने जाने की, तो ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबकी अपनी अपनी इच्छा है। यदि उनकी इच्छा है पागलखाने जाने की तो कौन उन्हें रोक सकता है, वो जा सकते हैं। इस समय समझती हूँ कि एक राजनेता को चर्चा में रहने के लिए कोई सकारात्मक कारण होना चाहिए, और यदि सस्ती लोकप्रियता की भूख किसी के अंदर पैदा हो गई है और केवल इस सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए हम अशोभनीय बयानबाजी करें, गलत बातें बोलें, तो ये जनता को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को तो हमें नकार देना चाहिए। और मैं तो अपने मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करूंगी कि यदि समाज के अंदर दूषित मानसिकता को फैलाने वाली बयानबाजी या टिक्का टिप्पणी कोई भी राजनेता करता है तो आप उसको बढ़ चढ़ के मत दिखाइए। आप ऐसी बातों को दिखाना ही छोड़ दीजिए तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ये जो एक स्तर विहीन कार्य होते हैं ये अपने आप बंद हो जाएंगे।